जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माईसेल्फ सत्यवान मौर्या, स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन लग गया है। टू चार्जेस 3×10⁻¹ कूलाम एंड −2×10⁻¹ कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी जीरो। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो चार्ज, एक चार्ज है पॉजिटिव जिसकी वैल्यू है 3×10⁻¹ कूलाम, और दूसरे चार्ज की जो वैल्यू है −2×10⁻¹ कूलाम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 15×10⁻¹ मीटर डिस्टेंस है किसकी, इन दोनों के बीच की। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, ये पूरी लाइन यहाँ से इन्फाइनाइट तक इधर और इन्फाइनाइट तक इधर, इस पूरी लाइन पे कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों चार्जेस के कारण। ठीक है, तो हमें फाइनली यही कैलकुलेट करना होगा कि इनका पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, इस पूरे लाइन पर कौन से पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो तीन स्टेप में इस सॉल्यूशंस को बांटेंगे। यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, केस फर्स्ट के लिए किधर बात करेंगे, इस साइड। केस सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, केस सेकंड के लिए हम लोग इन दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, और केस थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि इस जो ये निगेटिव चार्ज है इसके बाद क्या कहीं पर पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों चार्जेस के कारण। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, केस फर्स्ट, इसके कारण। केस फर्स्ट देखिए, अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसके इधर अगर हम लोग चलते हैं तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो इसलिए इसके कारण यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं। इसके कारण जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर चलते चले जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। और अगर हम लोग बहुत दूर निकल जाएँ, इनफाइनाइट पर निकल जाएँ, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट के इधर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो केस फर्स्ट में अगर हम लोग इधर बात करें, व्हेन एक्स लेस देन जीरो देन वी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हम लोग बात कर चुके केस फर्स्ट की। नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द केस सेकंड। क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसको पता करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज पॉजिटिव चार्ज जो है उससे 3×10⁻¹ कूलाम से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सपोज, तो लेट एट एक्स वी पी इसकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वी पी पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और इन चार्ज के कारण निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल वी पी कितना आ जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना है, 3×10⁻¹ कूलाम अपॉन डिस्टेंस कितना है x, और प्लस इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 15 माइनस एक्स, तो 1/4πε0 −2×10⁻¹ कूलाम अपॉन 15 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है हमने सपोज किया, तो इसलिए यहाँ पे जीरो रख देंगे। इसकल टू 1/4πε0
और इंटू 10^-8 कॉमन है तो क्या बचा यहाँ पे, 3/x माइनस 2/15-x, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, 0 हो जाएंगी, तो 0 = 3/x माइनस 2/15-x। अब ये क्वांटिटी 3/x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, वी विल प्रोसीड। तो ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3/x = -2/15-x, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 15-x = 2x, 3 × 15 = 45-3x = 2x, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 = 2x + 3x, 45 = 2x + 3x, 5x, तो x = हो जाएगा 45/5, 5 × 5, 5×9 = 45, x = 9, तो x = 9 आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर, 9 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, x = 9 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं केस थर्ड में, क्या इस चार्ज के बाद भी पोटेंशियल 0 हो पाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि, मान लेते हैं कि पोटेंशियल 0 हो जाएगा इसके बाद, तो इसको जल्दी से नोट करें, हम इसको रिप्लेस करेंगे, केस थर्ड की बात करने वाले हैं, जल्दी से नोट करें, केस थर्ड, केस थर्ड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है इन दोनों के बीच में, केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड में सपोज करते हैं, सपोज एट डिस्टेंस वाई फ्रॉम निगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज 0। सपोज करते हैं ये पॉइंट का नाम क्या है, क्यू, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, इस ये डिस्टेंस है आपकी वाई, तो चलिए इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे और इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, टोटल वी क्यू = आ जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल वहाँ पे आ जाएगा 1/4π ε0, ये चार्ज रखेंगे 3 × 10^-8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 है और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ वाई, तो आपका हो जाएगा 15+y, और यहाँ से इसके कारण कितना हो जाएगा, +1/4π ε0 -2 × 10^-8 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, वाई, तो यहाँ वाई रख देंगे। उसके बाद क्योंकि वी क्यू पर हमने 0 सपोज किया है तो इसके यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4π ε0 इन दोनों चीज़ों में से कॉमन आ जाएगा, क्या क्या, 1/4π ε0 × 10^-8 कॉमन आएगा, तो क्या बचा, 3/15+y और -2/y। ओके, अब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये = 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, तो 3/15 + 3/15 + y और = 2/y, क्योंकि ये माइनस है, माइनस जब इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, जब इक्वल के उधर जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी हैव, 3y = 2 ( 15+y, तो 3y = 15 × 2 कितना हुआ, 30 + 2 × y = 2y, ये इधर आ जाएगा, 3y - y = हो जाएगा 30, सर यहाँ 2y करेंगे क्योंकि 2y इधर आएगा, 3y - 2y कितना आया, y = 30। ओके, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज से राइट साइड में 30 सेंटीमीटर पर, y = 30 सेंटीमीटर पर आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए, एट 30 सेंटीमीटर पर टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा।
तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को अपना ओरिजिन माने या रिफरेंस माने, इफ़ दिस इज टेकन एज ओरिजिन, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। मैं फाइनल आंसर लिखने चल रहा हूँ, राइट साइड में दो जगह पोटेंशियल जीरो आ रहा है। एक आपका आएगा मान लेते हैं x इज कल टू 9 सेंटीमीटर पर, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 30 और 15 टोटल 45, दूसरा आ जाएगा मान लो 45 सेंटीमीटर पर आएगा। दो पॉइंट पर, एक यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पर और एक आपका आ जाएगा 45 सेंटीमीटर पर, पोटेंशियल जीरो आएगा। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, और राइट साइड में भी इनफाइनाइट पर एक जगह और पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।